जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो 12वीं चक्र अप्सरा साधना है उर्वशी की। कि आपको ये बहुत ही सरल और बहुत ही तेजस्वी साधना है, ये जो भैरवी चक्र पर जो उर्वशी की साधना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही तेजस्वी और सरल साधना है। और देखिए, अगर उर्वशी अप्सरा को वश में करने या उसे मित्र रूप में या प्रिय रूप में प्राप्त करने के लिए या उसके माध्यम से धन संबंधी सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए या फिर अपने किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए, कि भाई मेरा ये कार्य है, मेरा ये कार्य ये संपन्न हो जाए, तो अगर हमें ये करना है तो उस हमारे सामने ना कई प्रकार की सावर मंत्र के कुछ विधियाँ दी गई हैं जिसके माध्यम से हमारे इस प्रकार के कार्य संपन्न हो सकते हैं। ठीक है। और मंत्रों के माध्यम से अथवा साधनाओं के माध्यम से धन प्राप्त करना हुआ या फिर जीवन की समस्याओं को मिटाना हुआ या जीवन में निरंतर उन्नति करना, कोई गलत नहीं है। साधु संन्यासी भी इसका उपयोग करते हैं। और फिर सावर मंत्र तो जो है भगवान शिव के रूप, शिव के अक्षर रूप हैं। ठीक है, जो उनके द्वारा स्पष्ट किए गए हैं और मंत्रों के माध्यम से ही मनोवांछित कार्य संपन्न होते हैं। फिर उर्वशी जो होती है वो अपने आप में एक अत्यंत ही सुंदर और सौंदर्य युक्त अप्सरा है जो कि रूप यौवन से बिल्कुल एकदम परिपूर्ण है। मतलब कि किसी भी तरह की कोई उसके अंदर न्यूनता है ही नहीं। और देखिए, अगर हम साबर मंत्रों से इस तरह की साधना करते हैं तो उस साधना को भैरवी चक्र साधना कहा गया है। और भैरवी का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी देवी जो मंत्रों के द्वारा साधक के लिए सिद्ध होकर उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है, उसे हम भैरवी कहा गया है। और जो उर्वशी है उसे सिद्ध करने के लिए और उसको अनुकूल बनाने के लिए ये भैरवी चक्र प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। ये साधना जो है बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली, पूर्ण प्रभाव और अचूक फल देने वाली है। ये साधना केवल आपको 11 दिन तक करनी है। बस किसी भी शुक्रवार की रात्रि से आपको ये साधना करनी है। और इसमें आपको ज़्यादा कोई इतना लंबा जटिल जटिल विधि विधान नहीं है। आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपकी वो सामग्री होनी चाहिए। अब क्या क्या सामग्री आपकी होनी चाहिए? एक तो आपका भैरवी यंत्र होना चाहिए। इसको हम उर्वशी यंत्र भी बोल देते हैं, जो कि एक ताबीज के आकार का होता है। ठीक है। जो ताबीज होता जैसा, इस टाइप से वो उर्वशी यंत्र होगा। ठीक। एक आपकी स्फटिक की माला होगी। और स्फटिक की माला के बाद में एक आपकी रक्षा माला होगी जो आपको गले में धारण करनी है जब आप जाप करेंगे। और एक आपका सम्मोहन गुटिका होगी। उस गुटिका को आपको भगवान भैरव के नाम की आपको स्थापित करनी है पूजा के स्थान में ही। तो ये चार वस्तुएं आपकी लगेंगी। मतलब कि उर्वशी यंत्र जो कि ताबीज के आकार का होगा, उर्वशी माला जो कि या स्फटिक माला जिससे आपको जाप करना है, और एक रक्षा माला जो आपको गले में धारण करनी है, और एक आपका सम्मोहन गुटिका जो आपको पूजा के स्थान में भैरव जी के नाम से रखनी है। और ये चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर जिन भाइयों को ये चीज़ें चाहिए, ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है। जो भी उसकी राशि होगी वो आप देंगे और सामग्री आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। साधना के टाइम में पुरुष जो है वो अच्छे और सुंदर वस्त्र धारण करके
या धोती कुर्ता भी पहन सकता है, पैंट शर्ट कुछ भी किसी भी प्रकार के पहन सकता है वो कपड़े, लेकिन धुले हुए होने चाहिए बस। सामने जो थाली रखी है उस पर उर्वशी नमः आपको लिखना है, ठीक है। और जब वो आप लिख लें तो उसके ऊपर गुलाब और दूसरे पुष्प उसके ऊपर बिछा दें, और उस पर उस भैरवी चक्र यानी कि जो अप्सरा यंत्र है उसको आप वहाँ पर स्थापित कर दें, और उस यंत्र का सक्षित आपको पूजन करना है। छोटा सा पूजन कर लें कि धूप दीप दिखाना है, धूप जलाना है, एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लगाना है और फूल चढ़ाने हैं गुलाब के, मतलब सक्षित पूजन जिसको बोलते हैं। और उसमें एक प्रार्थना करें कि मैं अमुक जाति अमुक नाम का पुरुष पूर्ण प्रेम और आत्मीयता के साथ साबर मंत्र के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रहा हूँ, जिससे कि उर्वशी को मित्र और प्रिय रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी भी मैं आज्ञा दूँ उसको पूर्ण करे। इसके बाद यंत्र के सामने शुद्ध घृत का दीपक लगाएं और पहले से ही मंगाया हुआ पान या संस्कृत में जो भी मतलब तांबूल बोलते हैं उसको, पान को रख दें। वह जो मतलब कि मुंह में रख करके उसको पान को चबा लें, मुंह में रख के उसको पहले चबा लें, और पान में जो है कत्था चूना सुपारी उसका प्रयोग करें, तंबाकू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको मंत्र का जो सावर मंत्र है उसका आपको 108 बार उच्चारण करना है, यानी एक माला का आपको जाप करना है। अब मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र थोड़ा बड़ा है, अगर एक माला का आप इसमें जाप करना है पर याद कर लेना पहले, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का आदेश, गुरु के मुख में ब्रह्मा, जिनके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं, उनके सारे शरीर में सर्वदेव देव निवास करते हैं, उनको नमस्कार। इंद्र की अप्सरा गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार। गगन मंडल में घुंघरुओं की झंकार और पाताल में संगीत की लहर, लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकण, थिरकण में सर्प, सर्प में कामवासना, कामवासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव, भगवान शिव ने जमीन पर उर्वशी को उतारा, शमशान में धुनी जमाई, उर्वशी ने नित्र नृत्य किया, सात दीप नवखंड में फूल खिले, डाली झूमी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आकाश पाताल में सब मस्त भये, मस्ती में एक ताल दो ताल तीन ताल, मन में हिलोर उठी हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध और सुगंध में मस्ती, यह मस्ती उर्वशी को मेरे मन भाई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग में लहराई, उर्वशी इंद्र की सभा छोड़ मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने हरदम मेरे साथ रहे, मेरो कहियो करे जो मांगू सो पूरा करे, सोचू तो हाजिर रहे यदि ऐसा न करे, तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्य को तेज व्रज्र, 33 कोटि देवी देवताओं की आण, मेरे मन चढ़े अप्सरा को, मेरा जीवन उसके श्रृंगार को, मेरी आत्मा उसके रूप को और मैं उसको, वह मेरे साथ रहे, धन यौवन संपत्ति सुख देवे, कहिए करे हुक्म माने, रूप यौवन भार से लदी मेरे सामने रहे, ऐसा जो ऐसा न करे तो भगवान शिव को त्रिशूल और इंद्र को वज्र उस पर पड़े। तो इस प्रकार से आपको ये मंत्र बोलना है और ये एक माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और मंत्र ये अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्धिदायक मंत्र है, क्योंकि ये मंत्र सीधे और सरल होते हैं, लेकिन अपना इनके उच्चारण में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, बस इसलिए ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और इसको आपको 11 दिन तक आपको साधना करनी है, तो 11 दिन या उससे पहले भी उर्वशी अगर आपके सामने प्रकट होती है तो पहले से जो फूलों का हार मंगा कर रखा गया है, दो फूलों का हार मंगा हार जो आपको मंगा करके रखना है उसको हार उसके गले में पहना दें और खाने के लिए एक पान दे दें और हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लें कि जैसा
साधक कहेगा जीवन भर वह उसका कार्य करती रहेगी। और इसके बाद जब आप एक बार मंत्र का उच्चारण करोगे तो उर्वशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होगी और साधक का कहा वो कार्य पूर्ण रूप से वो करेगी करेगी। ठीक है, तो जो वो भैरवी यंत्र या जो ताबीज के आकार का है उस यंत्र को 11 दिन साधना करने के बाद उठा करके लाल रंग के धागे में डाल के उसको अपने गले में धारण आपको कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ये उर्वशी साधना एक भैरवी चक्र की साधना है और इस भैरवी प्रयोग को आपको करना ही करना है क्योंकि ये वास्तव में एक अद्वितीय प्रयोग है और इसमें कोई ज़्यादा जटिल विधि विधान नहीं है। बाकी अगर जटिल विधि विधान नहीं, सीधे सादी मैंने आपको बिल्कुल एकदम साधना बताई है और इस साधना को करें। अगर जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है और तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।